मुतालबा हुआ कि शाबान का महीना है और इस महीने के सिलसिले में बहुत सारे जहन में गलत फहमियाँ हैं, लिहाजा इस मुनासबत से बात हो तो ज़्यादा बेहतर हो। शाबान का महीना, ये रमज़ान मुबारक की तमहीद है। शाबान का महीना ये उस महीने की तमहीद है जिस महीने में कुरान मुकद्दस नाज़िल हुआ। रजब के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लगना इला रमजान। कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमाइए और रमज़ान तक हमें पहुंचा दीजिए। रमज़ान का मुबारक महीना हमें उस तक पहुंचा दीजिए ताकि उसके मुबारक महीने की रहमतें और बरकतें हम समेट सकें। इसकी कई शिकें हैं शाबान के महीने से मुतालिक। आप हजरात चंद गोशे हैं वो आप जहन में रखेंगे। एक तो मजमुई शाबान की अजमत, एक पूरे महीने की अजमत और अहमियत, दूसरा शाबान के 15वीं तारीख की अहमियत और फजीलत, तीसरा शाबान की 15वीं शब की फजीलत और अहमियत, तीसरा चौथा ये कि उस रात में अल्लाह तबारक व ताला किन किन लोगों को महरूम कर देता है। ये चार शिकें हैं समझने की बातें हैं। मजमूई तौर पर जैसा कि मैंने अभी रिवायत पढ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमें पहुंचा दे। दूसरी रिवायत जो तिर्मिज़ी के मैंने अभी पढ़ी है उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीने कभी रोज़ा रखते हुए नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान के। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीने रोज़े रखते हुए कभी नहीं देखा सिवाय शाबान और रमज़ान के। बिल्कुल इसी से मिलती हुई जिनती रवायतें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी हैं और दीगर सहाबा किराम से भी हैं। इसी तरह उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने दरियाफ़्त किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शाबान के महीने में इतना कसरत से रोज़े का अहतमाम क्यों फरमाते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि रमज़ान रजब और रमज़ान के दरमियान वाला जो ये शाबान का महीना है लोग इससे गफलत बरतते हैं। रजब और रमज़ान के बीच वाला शाबान का जो महीना है लोग इससे गफलत बरतते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व ताला के सामने इस महीने में लोगों के आमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं ये बात पसंद करता हूँ कि अल्लाह के हुजूर में आमाल की पेशी हो तो मैं हालत रोज़ा में हूँ, इसलिए मैं रोज़े का अहतमाम करता हूँ। तो इन रवायतों से पूरे महीने की फजीलत और अहमियत साबित होती है, लिहाजा हमें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए पूरे महीने में रोज़े का अहतमाम करना चाहिए। इल्ला ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के अखीर के 2-3 दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के अखीर के 2-3 दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। उसकी वजह ये है कि लगातार हम रोज़ा रखेंगे और अखीर का भी रोज़ा रख लेंगे तो दोनों महीने खलत मलत हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दूसरा ये कि रोज़े का रमज़ान में इजाफा हो सकता है। तीसरा ये कि 2-3 दिन हम खा करके रमज़ान की तैयारी कर लें, उसके लिए मुस्तैद हो जाएं।
और चौथा फायदा ये है कि जब रमज़ान में हम जब रोज़ा रखेंगे, इबादत कसरत से करेंगे, अज़कार कसरत से करेंगे, तो ये आदत बन जाएगी और इंशाअल्लाह रमज़ान में उसका फ़ायदा होगा जो हमने शाबान में मेहनत की। ये पूरे शाबान की फजीलत हो गई। निस्फ शाबान की अहमियत, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान को रात में अपनी मखलूक पर नजर डालता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला निस्फ शाबान को और रात में अपनी मखलूक पर नजर रहमत डालता है और अपने तमाम बंदों को माफ़ फरमा देता है, अपने तमाम बंदों को माफ़ फरमा देता है सवाए उन लोगों के जो एक मुसलमान का अपने दिल में कीना और बुग्ज रखते हैं और दूसरे वो जो किसी का कत्ल करते हैं। इन दोनों की माफ़ी नहीं होती है, बाकी अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। दूसरी रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला उस रात में और इस जैसी जो भी रातें हैं, चाहे वो कद्र की रात हो, चाहे बरात की रात हो, या रमज़ान की रातें हों, रजब की रातें हों, अल्लाह तबारक व ताला इन रातों में चंद लोगों को महरूम कर देता है। वो कौन लोग हैं? अभी जैसा कि आपने सुना कि एक वो शख्स जिसके दिल में दूसरे के ख़िलाफ़ बुग्ज़ और कीना हो, दूसरे के ख़िलाफ़ बुग्ज़ और कीना हो। दूसरा वो कि जो किसी का कातिल हो, बगैर किसी सबब के किसी को कत्ल कर दे। तीसरा वो जो शराब का आदी हो, चौथा वो जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता हो, पांचवा वो औरत जो फाहिशा औरतें हैं। ये तमाम लोग जो हैं इन रातों में भी अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए जाते हैं। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए, अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं तो इन आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है। हम किसी को नाहक कत्ल न करें, हम किसी के खिलाफ अपने दिल में बुग्ज़ और हसद न रखें। अगर शराब की बुरी आदत लग गई है तो छोड़ दें, अगर फहश आदतें लग गई हैं तो उसको तर्क कर दें, इंशाअल्लाह ये रातें उनके लिए भी बाबरकत हो जाएंगी। एक तीसरा मसला, कब्रिस्तान में जाने का मसला। उमूमन इस रात में लोग कब्रिस्तान में जाने को अपना मामूल बना लेते हैं। रिवायत इस तरह है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में मौजूद न पा करके आपकी तलाश में निकली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में हाथ उठा करके दुआएं कर रहे हैं, आसमान की तरफ नजर उठाए हुए और दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस किया कि पीछे कोई है। आपने मुड़ा, कहा आयशा तुम क्या समझती हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेगा, तुम मेरे पीछे पीछे चली आई। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझे कि आप किसी दूसरी ज़ौजा के पास चले गए। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निस्फ शाबान को अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर उतरता है और बनू कल्ब के बकरियों की तादाद की मकदार में उनके जिस्म पर जितने बाल हैं उतने लोगों की मफ़रत फरमा देता है। यह रिवायत मुसनद अहमद में है, हदीस नंबर 12764 है। इस तरह से इस रात में जाने का सबूत तो मिलता है, लेकिन मुफस्सिर कुरान मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को हर वो अमल जो वो करती है उसे इस बात को देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को किस दर्जे में रखा है। लिहाजा जो अमल जिस दर्जे का हो उसी तरह अमल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक बार गए हैं और कब्रिस्तान में लोगों के लिए दुआ मफ़रत किए, हमें भी ज़िंदगी में कभी एक आध बार उस रात में, ऐसे तो कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, उस रात की बात करें, उस रात में कभी एक आध बार आप भी चले जाएँ और मरहूमों के लिए दुआ कर लें। इसको मामूल नहीं बनाना चाहिए, बस एक रात आप गए, आप भी कभी चले जाइए, सुन्नत अदा हो जाएगी। उस रात के बाद दूसरे दिन का रोज़ा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह मिश्कात की रिवायत है, हदीस नंबर 1308 है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے تو فقوموا لیلہا وصوموا یومہا کہ اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کو روزے کا اہتمام کیا کرو. بات سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بائیس کے روزے کو سنت فرمایا ہے. ایام بائیس جسے کہا جاتا ہے وہ 13, 14, 15 تاریخ, ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسے ایام بائیس کا روزہ کہتے ہیں. لہذا ہمیں کم سے کم پورے مہینے نہیں تو کم سے کم ان تین روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے, اس میں یہ بھی روزہ آ جائے گا. اور اگر اس نیت سے کہ ہمیں رمضان کی عادت ڈالنی ہے, اس نیت سے اگر کوئی 16, 15 کو روزہ رکھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں, گناہ نہیں. ان تمام روایتوں کے موجود ہونے کے باوجود کچھ حضرات سرے سے اس مہینے کی افضلیت کا اور اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے تمام اعمال کو بدعت قرار دیتے ہیں. یاد رکھیے, جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اور جو صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے اسے بدعت نہیں کہتے ہیں, اسے بدعت نہیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے, عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے, تمہارے 73 فرقے ہوں گے, اس میں سے 72 جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ خوش نصیب کون ہوگا جو جنت میں جائے گا, وہ فرقہ کون ہوگا جو جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا, ایک اصول بتا دیا, ایک اصول بتا دیا. وہ اصول کیا ہے کہ جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا. ما انا علی و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس کو اپنا لو, جنت میں جاؤ گے. اس کے علاوہ ادھر ادھر کے راستے اپناؤ گے تو پھر وہ جہنم میں لے جانے والے راستے. اس طرح سے جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گئیں اور صحابہ کرام سے ثابت ہو گئیں, مجتہدین اور محدثین اور سلف صالحین اس رات پر اعمال اور اذکار کرتے چلے آ رہے, اس رات کو اچانک سے 1400 سال بعد آ کر کے بدعت قرار دینا یہ سراسر جرأت ہے. تاہم ہم بھی غلطی کرتے ہیں. اس رات میں عبادت جو کی جاتی ہے وہ انفرادی عبادت ہے. ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں, ہم شعبان کی رات میں کمکمیں لگاتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, ہم شعبان کی رات کو حلوے کے نظر کر دیتے ہیں, ہم شعبان کی رات کو آ کر کے اجتماعی نماز کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں, ہم شعبان کی رات کو مسجدوں میں میلہ کی طرح بھیڑ لگا دیتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا, صحابہ نے جو عمل کیا, وہ انفرادی عمل ہے اور یہ مستحب ہے, انفرادی عمل ہے. آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کیجئے, تہجد کا اہتمام کیجئے, صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجئے, نوافل کا اہتمام کیجئے, ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجئے, مرحومین کی مغفرت کے دعاؤں کا اہتمام کیجئے. انفرادی عمل ہونا چاہیے, اجتماعی عمل اس رات میں ثابت نہیں. دوسری چیز جو ہم لوگوں نے ایجاد کیا وہ یہ کہ اس رات میں کچھ ایسے اعمال اپنی طرف سے خاص کر لیے ہیں کہ تمہیں اتنی رکعت پڑھنا ہے اور اس میں یہ سورت پڑھنا اور یہ سورت پڑھنا, یہ تمام کی تمام چیزیں ثابت نہیں. جو چیزیں غلط ہیں وہ غلط ہیں اور جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرو اس سے باز آ جاؤ. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے, یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. لوگوں نے سوال کیا, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت تو اس کی جاتی ہے جسے لوگ دیکھیں, جسے لوگ سمجھیں, جسے لوگ پرکھیں, جو اس کا مشاہدہ کیا جائے. اے اللہ, اے میرے رب, ہم تیری اطاعت کیسے کریں, ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو تجھے سنا ہی نہیں, ہم نے تو تیرا مشاہدہ کیا نہیں, تو پھر تیری اطاعت کیسے کریں. رب نے فرمایا وَأَطِعُوا الرَّسُولَ, میرے رسول کی اطاعت کرو. لوگوں نے سوال کیا, ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے گی؟ رب نے جواب دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی.
जो रसूल की इताअत करेगा गोया उसने अल्लाह की इताअत की। लिहाजा शाबान के इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ रोजे का एहतमाम करना चाहिए, कम से कम 3 दिन रोजे का एहतमाम करना चाहिए, और अगर कोई 1 दिन करता है तो भी एक हदीस से साबित है किया जा सकता, गुनाह नहीं है। करेगा तो सवाब, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। ये फजाइल है और ये कुछ चंद अहादीस ज़ईफ के ज़ुमरे में आती हैं, लेकिन तमाम ज़ईफ हदीसें मिलकर के हसन के दर्जे में हो जाती हैं। लिहाजा तमाम हदीसों को जमा करके उस पर अमल किया जा सकता है फजाइल के अतबार से। अकीदा उससे नहीं लिया जाएगा, अहकाम उससे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फजाइल बयान किए जा सकते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम फरमाते हैं कि इस सिलसिले में, शाबान के सिलसिले में, निसफ शाबान के सिलसिले में 10 सहाबा किराम से रवायतें मौजूद हैं। लिहाजा 10 सहाबा किराम जिस हदीस को रवायत करें और उसको बिदअत करा देना, ये बड़ी जुरत की बात है। लिहाजा आमाल हमें करनी चाहिए। तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह दुआएँ कबूल करता है। 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह दुआएँ कबूल करता है। 1 रात वो जुमा की रात है, हर हफ्ते आती है। दूसरी रात वो शाबान की 15वीं रात है जिसमें अल्लाह दुआएं कबूल करता है। तीसरी रात रजब की 1 तारीख की रात है जिसमें अल्लाह दुआएं कबूल करता है। और चौथी और 5वीं रात ईदैन की रात है, यानी एक ईद उल फित्र की रात और एक ईद उल अज़हा की रात। ये 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला दुआएं कबूल करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमान दुनिया पर आता है और फरमाता है कोई मगफरत तलब करने वाला, आ जाओ माफ़ी मांगो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। है कोई रिस्क चाहने वाला, आओ रात की तन्हाई में 2 कतरे आंसू के बहा लो, हम तुम्हें रिस्क की फरावानी अता कर देंगे। है कोई आफियत का तलबगार, आओ हमारे दर में आओ, 2 सजदे करो, अल्लाह के सामने अपने आंसू को गिराओ, रो। वही है जो उसके सामने रोना सीख जाएगा फिर वो किसी के सामने नहीं रोएगा, जो उसके सामने झुकना सीख जाएगा फिर वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, जो उसके सामने गिड़गिड़ाना सीख जाएगा वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। लिहाजा आओ, कौन है आफियत का तलबगार, आओ मेरे दर में आफियत की भीख मांगो, हम तुम्हें आफियत से नवाजेंगे, हम तुम्हें सेहत से नवाजेंगे, हम तुम्हें तंदुरुस्ती से नवाजेंगे, हम तुम्हारे माहौल को अमन वाला माहौल बना देंगे। ये अल्लाह सदाएं लगाता है, लिहाजा हमें हर रात में ये सदाएं आती हैं, लेकिन मखसूस खसूसी तौर पर ये रातें हैं जिनमें अल्लाह ये सदाएं लगाता है। अब वो बंदा जिसके नसीब में आए वो इन रातों का हिस्सा अपने नाम कर ले, और जो इससे महरूम रहना चाहे उससे मेरा कोई शिकवा नहीं है, अपना अपना नसीब है, कोई चाहे तो ले ले, जो ना चाहे ना ले, हम शिकायत कर नहीं जा ले, हम तो ज़रूरतमंद हैं, हम तो हाजतमंद हैं, और जाएँगे तो किसके पास जाएँगे, हम तो अपने रब के पास जाएँगे, उसके अलावा तो कहीं नहीं जा सकते हैं। लिहाजा अपने रब से मांगना, अपने रब से गिड़गड़ाना, और अपने रब के सामने अपनी पेशानी को खम करना और उससे सवाल तलब करना, ये तो रब का हुक्म है। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म देता है अल्लाह कि जब मेरा बंदा मुझसे तुझसे पूछे कि मेरे बारे में मैं कहाँ हूँ, तो कह दीजिए कि मैं उससे करीब हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोमिन में फरमाता है कि जब कोई बंदा मुझसे दुआ करता है, वइज़ क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजीब लकुम, जब मुझे पुकारता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ, और जब कोई किब्र की वजह से, घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से मुझे नहीं पुकारता, मुझसे दुआएं नहीं करता, शायद खुलूना फी जहन्नम अदाखिरीन, तो ऐसे मुतकब्बिरीन को हम अनकरीब जहन्नम का ईंधन बना देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। तो ये वादे हैं। लिहाजा तमाम अहादीस की रोशनी में मैंने आपके सामने शाबान अल-मुअज़्ज़म से मुतालिक बातें की हैं। एक मजमूई शाबान की फजीलत, एक निसफ शाबान की फजीलत, एक लैलतुल बरात की फजीलत, और फिर उसके बाद के रोज़े की फजीलत, उस रात में कब्रिस्तान जाने की अहमियत कितने दर्जे की है और क्या है, ये सारी चीज़ें खुलासे के साथ आपके सामने आ गई हैं। अब
आपके सामने वो हदीसें हैं, आपका जी चाहे तो इस रात की बरकत सिमेट लीजिए, ना जी चाहे तो आराम से सोइए। अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।